की बात है, एक छोटे से गांव में रजनी नाम की लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी और उसकी आवाज भी बहुत सुरीली थी। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। वो क्लास 5 में पढ़ती थी। वो पढ़ाई में काफी होशियार थी। उसे सभी बहुत प्यार करते थे। वैसे तो उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वो उदास रहती थी। उसकी उदासी का एक ही कारण था, उसके पापा। उसने अपने पापा को कभी नहीं देखा था। वो अपने पापा के बारे में हमेशा सोचती रहती थी कि उसके पापा उसके साथ क्यों नहीं रहते। रजनी की माँ हमेशा यही कहती, बेटा तेरे पापा शहर गए हैं, उन्हें वहाँ बहुत काम रहता है, कभी नहीं आ पाते। एक दिन रजनी अपनी माँ से बात करती है, माँ मेरे पापा कब आएंगे? रजनी, बेटा तेरे पापा को शहर में बहुत काम रहता है ना, कभी नहीं आ पाते। माँ आप हमेशा ऐसा ही कहते हो, मैंने अपने पापा को बहुत सालों से नहीं देखा, पापा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा। माँ रजनी को उसके पिता के बारे में बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। रजनी के पिता की मौत शहर में हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी और रजनी बहुत छोटी थी। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। वो अपने पापा की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसी कारण रजनी को उसकी माँ ने नहीं बताया कि उसके पिता की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी है। और देखते ही देखते रजनी बड़ी होने लगी। जैसे जैसे रजनी बड़ी हो रही थी, उसे अपने पापा की हमेशा कमी महसूस होती थी। रजनी को स्कूल में उसकी कक्षा के बच्चे बहुत चिढ़ाते थे। वो उनकी बात सुनकर अंदर ही अंदर बहुत घुटा करती थी। एक दिन रजनी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। मेरे पापा शहर में बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, उन्हें यहाँ आने का समय नहीं मिल पाता, इसीलिए वो बाहर ही रहते हैं, ऐसा माँ मुझे बताती है। रजनी अपने दोस्तों की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने घर जा रही होती है। तभी बीच में कब्रिस्तान पड़ता है। रजनी इस बात से अनजान होती है कि वो एक कब्रिस्तान है। रजनी कब्रिस्तान के अंदर घुस जाती है और एक कब्र के ऊपर बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। कोई भी मेरी बात नहीं समझता, मैंने अपने स्कूल में सब दोस्तों को अपने पापा के बारे में बताया, पर कोई मेरी बात मानने को राजी नहीं। मुझे बहुत दुख होता है जब कोई मेरे पापा के लिए उल्टा बोलता है। मैं भी अपने पापा को आज तक नहीं देख पाई। पापा आप किधर हो? मेरे पास आ जाओ ना, मुझे मेरी क्लास के सारे बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं। रजनी जिस कब्र पर बैठकर रो रही होती है, उसी कब्र से एक भूत निकलकर बाहर आ जाता है। ये देखकर रजनी डर जाती है। तुम डरो मत बच्ची। तुम कौन हो? अभी तक तो इधर नहीं थे, एकदम से तुम यहाँ मेरे सामने कैसे आए? तुम भूत हो। तुम डरो मत बेटा, हाँ मेरी मौत हो गई है, अब मेरी आत्मा भटक रही है, पर मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता और मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी और मुझे तुम बहुत परेशान लगी, इसीलिए ही मैं तुम्हारे आगे आया हूँ, नहीं तो मैं हर किसी के आगे नहीं आता, हर कोई मुझे नहीं देख पाता है। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम जाओ यहाँ से। रजनी की बात सुनकर भूत बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी सच में दिल से मदद करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर अपनी बेटी दिखी, जब मैं मरा था मेरी बेटी भी तुम्हारे जितनी ही बड़ी थी। भूत रजनी को अपनी सारी बात बताता है और बहुत रोता है। भूत सारी कहानी बताने के बाद, मैं इसीलिए ही तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हें जब भी कोई परेशान करेगा तुम्हारे पापा को लेकर, या तुम जब भी मुझे दिल से याद करोगी, मैं तभी तुम्हारे आगे हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है। भूत रजनी को एक पत्थर देता है। देखो रजनी, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसी पत्थर के जरिए हम मिल सकते हैं, ये पत्थर किसी के हाथ ना जाने पाए, याद रखना ये बात। ठीक है। तुम जब भी इस पत्थर को अपने हाथ पे घिसोगी, मैं तुम्हारे आगे आ जाऊंगा। भूत रजनी को वह पत्थर देता है और जब भी वो संकट में हो तो उस पत्थर को अपने हाथ पर घिसने को बोलता है। भूत रजनी को पत्थर थमा देता है और रजनी उसे वहीं चुपचाप अपने बैग में रख लेती है। रजनी घर जाकर अपनी मम्मी को स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का बताती है। माँ हमारे स्कूल में कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आपको कल हमारी मैडम ने बुलाया है। अरे बेटा कल तो मैं आपके स्कूल नहीं जा पाऊंगी, कल तो मुझे बहुत काम है। रजनी अपनी माँ की भी बात सुनकर मायूस हो जाती है। रजनी अगले दिन अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। आज तो मेरी क्लास में मुझे बहुत ही ज्यादा डांट पड़ेगी, मैडम हमेशा बोलती है कि अपनी मम्मी के साथ अपने पापा को भी मीटिंग में लेकर आओ, आज पापा तो क्या मम्मी भी मीटिंग में नहीं जा रही, आज मुझे मैडम से बहुत डांट पड़ेगी। रजनी बहुत हिम्मत करके स्कूल जाती है। रजनी के स्कूल में बच्चे अपने माता पिता के साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए आ रहे होते हैं। तभी रजनी की क्लास के एक बच्ची उसे बोलती है, अरे रजनी आज भी तेरे पापा नहीं आए, कैसे हैं तेरे मम्मी पापा? पहले तो पापा ही नहीं आते थे, आज तो मम्मी भी नहीं आई है तेरी, अब देख मैडम तुझे कितना डांटेगी। बच्चे की ये बात सुनकर रजनी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। रोते रोते उसे याद आता है कि भूत ने उसे एक पत्थर दिया था और बोला था जब भी उसे अपने हाथ पर घिसूगी तो वो भूत उसके सामने हाजिर हो जाएगा। रजनी अपने बैग से वो पत्थर निकालती है और उसे जोर से अपने हाथ पर घिसती है।
और भूत को याद करने लगती है। पत्थर के घिसने के साथ ही भूत रजनी के आगे हाजिर हो जाता है। रजनी उसे देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अरे रजनी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? रजनी रोते रोते भूत को सारी बात बताती है। मेरी क्लास के बच्चे मुझे चिढ़ा रहे हैं। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, सब बच्चों के माता पिता उनके साथ आए। हमेशा मेरी मम्मी मेरे साथ आती थी, आज तो वो भी नहीं आ पाई और पापा तो कभी आ ही नहीं पाते मेरे स्कूल। तुम चिंता मत करो बच्चा, मैं आज तुम्हारे पापा का भेष बदल कर तुम्हारे स्कूल में मैडम से मिलूंगा, जिससे बच्चे भी तुम्हें कभी नहीं चिढ़ाएंगे और तुम्हारी मैडम भी तुम्हें कभी नहीं डांटेगी। रजनी भूत की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। भूत रजनी के साथ उसके पापा के भेष में मैडम से मिलता है और साथ ही रजनी अपनी क्लास के बच्चों को भी भूत से मिलवाती है। देखो, तुम हमेशा कहते थे ना तुम्हारे पापा नहीं आते, आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए मेरे पापा ही आए हैं मेरे साथ। आज इन्हें काम नहीं था अपनी कंपनी तो ये शहर से आ गए हमसे मिलने। तब से रजनी को उसकी क्लास का कोई बच्चा नहीं चिढ़ाता था और जब भी रजनी परेशान होती तो वो अपने पास रखे पत्थर को घिसती और भूत से मदद लेती।